हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। सो, दिन की शुरुआत होगी है अपने घर से, हल्द्वानी से। सो, देखते रहो ब्लॉग, बहुत मजा आने वाला है। देखिए हल्द्वानी का सुबह सुबह का मौसम। कल तो बादल पूरे घने बादल थे, आज हल्के से बादल हैं, वो भी इधर की साइड नहीं है, शहर के क्षेत्र में नहीं है पर पहाड़ क्षेत्र में बादल हैं। तो उठ गए हम लोग। और तो दोस्तों, सुबह सुबह मैं आ गया हूँ दुकान में, क्योंकि ऑर्डर थोड़ा बहुत ज़्यादा ही है तो जल्दी आ जाते हैं। कुछ सामान भी लेके आना था मार्केट से, वो लेके आ गया हूँ। और अब ऑर्डर बनाते हैं, फिर दिन में खाना खाने जाएंगे, फिर शाम को एनिवर्सरी की पार्टी है। तो टाइम हो गया है 11:30-12 बजने वाले हैं। और मेरे पास आ रखा है आज बड़ा ऑर्डर, वो भी है रेड वेलवेट केक। तो वो केक सबसे अलग होता है, उसका ब्रेड भी अलग होता है, फीलिंग भी अलग होती है। ये देखिए, आज तक आप चॉकलेट ब्रेड देखते थे और वनीला ब्रेड देखते थे, तो आज है रेड वेलवेट का केक। तो उसके लिए मैं ब्रेड लेके आया हूँ। तो इसका प्रीमिक्स ही अलग आता है, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। थोड़ा महंगा होता है पर टेस्ट के मामले में सबसे A1 क्वालिटी का अगर आप केक लाओगे, सबसे बेस्ट केक, तो वो या तो होता है रेड वेलवेट, सबसे टॉप में रेड वेलवेट ही आता है, उसके बाद ट्रफल केक आता है। तो ये हमारे केक की कटिंग हो गई है राउंड शेप में, डबल स्टोरी में केक है। इस केक के ऊपर आना है ये वाला केक। ये होगी केक की फीलिंग, देखिए लेयर स्टेप फीलिंग, फिर लेयर, फिर फीलिंग, फिर लेयर, फिर फीलिंग, ये देखिए। तो फाइनली केक बन चुका है। ये है 8 पाउंड का केक रेड वेलवेट। तो ये है डिजाइन, नीचे लिख दिया हैप्पी एनिवर्सरी और ऊपर है नाम, रेड कलर का हार्ड और मयंक नेहा, ये देखिए। रुद्रांश कैसा लगा केक? अच्छा लगा? कैसा लगा? बहुत बढ़िया। तो इसको करते हैं जल्दी से पैकिंग। आज बन रही है स्पेशल खिचड़ी। तो राधा बना रही है, देखो कितनी प्यारी से कटिंग कर रखी है इसने, प्याज टमाटर, ये है आलू और हरी सब्जी। पालक ले आती है? सच्चा पालक नहीं हो रहा था ना, छोटा छोटा हो रहा है। ये देखो इसकी खिचड़ी बन रही है आज, मस्त वाली। और साथ में ब्लॉग देखा जा रहा है, साथ में हमारा ब्लॉग देखा जा रहा है घर वाला। हैप्पी एनिवर्सरी अभी बोल रहे हो। रुद्रांश ये नमक के डब्बे के साथ खेल कर रहा है। रुद्रांश, दादा ने बना रखी है आज खिचड़ी और मैं बना रहा हूँ चटनी। उसके लिए तोड़ने आ गया हूँ पुदीना, पुदीने की पत्तियाँ, ये देखो। तोड़ के ले जाते हैं, इसकी चटनी बनाते हैं। पुदीना खाएगा बाबू? ये देखो छापी, जिसका तड़का देते हैं दाल में। क्या कहो? अरे ट्रैक्टर आज को तो बाहर निकाल बड़ा लगो, देखो घर पर 4 दिन लगनी सुधारना। सब मशीनों का माल में तेल फोड़ना। वो देख गाड़ी का है कि की घर कर 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 कर। चलो चलो बनाते हैं चटनी। ये बन गई चटनी, इसमें है हरा धनिया, पुदीना, नमक, मिर्च, टमाटर, प्याज। दोस्तों एनिवर्सरी का केक तो बन गया है और अभी थोड़ी देर में जाएंगे घर। ज़्यादा बड़ा केक तो नहीं है,
तो ज़्यादा बड़ा केक नहीं लिया है, ये है केक। तो केक कैसा लगा आप ज़रूर बताना। कल था इनकी, कल इनकी एनिवर्सरी थी, आज है हमारी एनिवर्सरी। आज हमारी एनिवर्सरी है, कल थी भाई लोगों की एनिवर्सरी। तो अब केक को तैयार किया जा रहा है। रुद्रान, पिछली बार एनिवर्सरी कहाँ मनाई थी हमने? घर में, पहली एनिवर्सरी। ये शेक जब जम्मू के जब हिट जाए तू पहाड़ी बातों